हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज के सीन ये हैं कि हम आए ऊपर छत पे। यार आई एम सॉरी, मैंने कल व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि सीन ये हो गया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, बुखार था और हिम्मत नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की। ठीक है, तो आज मैंने सोचा यार चलो तबीयत थोड़ी बेहतर है, कल दवाई ववाई लेके आए थे, आज थोड़ा सा माशाल्लाह से तबीयत सेट है, तो मैंने बोला चलते हैं ऊपर और चल के हमारी जो कॉलोनी का काम है उसको थोड़ा सा आगे खींचते हैं। तो भाई ये वुड मेरे पास में पड़ी थी, ठीक है, कहीं से मैंने अरेंज करवाई थी किसी बंदे से, तो वो उसने मुझे ला के दी। उसने बोला ठीक है आपने जब भाई ये वाली लगा लो, यूज़ कर लो। और ऊपर आके मैंने चेक करा है, माशाल्लाह बर्ड हमारे सेट हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कल मैं सिर्फ आया था, इनको जो है ना वो दाना पानी करके चला गया था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन हो रही थी। अभी आ जाएँ तो ये फ्रेम का जो काम है जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं पर फंसा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा आगे लेके आते हैं और देखते हैं कि क्या आज काम निकल सकता है। क्योंकि यार आपको पता है बुखार के बाद जो है ना तकरीबन 3 से 4 दिन बॉडी में ऐसा अजीब सब दर्द रहता है ना कि हिम्मत नहीं होती कि बंदा कुछ भी करे। जो लकड़ियां मैं लाया हूँ और कुछ ये हमारे पास में लेफ्ट ओवर बची हुई थी तो उसको भी इसके अंदर एडजस्ट करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो फ्रेम है ना इसको ज़मीन से तकरीबन 1-1.5 फीट ऊपर लेके आके हम इसको फिक्स करें। उससे ये होगा कि हमारी जो पानी, इन केस अगर कभी बारिश वगैरह होती है तो पानी वगैरह है या कोई जानवर है वो परिंदों को तंग ना करे। फ्रेम था उसको मैंने ऊपर की तरफ जो है ना वॉल के अंदर फिक्स कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे तकरीबन जो है ना 18 इंच तक का गैप छोड़ा है ताकि पानी या गंदगी या कोई भी चीज़ परिंदों के साथ जो है ना अटैच ना हो सके। ठीक है, अब फ्रेम वहाँ से पूरा वॉल के साथ में टच हो चुका है और ये वॉल के साथ भी हमने इसको फिक्स कर दिया है। ज़मीन के साथ मैंने यहाँ पर फ्रंट से एक जो है ना इसको नीचे से सपोर्ट दे दिया ताकि ये जो है ना बिल्कुल स्टडी और स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, बाकी ये है कि फ्रेम आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन बन गया और अब जब इसकी ऊपर की छत और नीचे का फ्लोर लग जाएगा तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ये है कि हमने एक तो पीछे से जो है ना वॉल पे पहले इसकी जो है ना वो फ्रेमिंग करनी है ताकि उसके ऊपर छत लग सके और उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से हम उसको फिक्स कर सकें। उसके बाद फ्रंट पे इसकी जाली लगाएंगे और अभी और देखते हैं क्या हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद हमारे जो ये पौधे मैंने रखे थे इसके अंदर आप देखें यहाँ पर माशाल्लाह जो है ना ये बेहतरीन इसमें जो है ना प्रोग्रेस आ रही है। एक ये देखें अलग से निकल रही है इसकी लड़, और एक यहाँ पे ये दूसरी आ रही है, ठीक है ये, और एक ही यहाँ पे तीसरी आ रही है। तो इसको तो मैं यहाँ से जो है ना एक को यहाँ से बाहर निकाल लूँगा, ठीक है, और जो ये वाली है उसको हम यहाँ से डोरी बांधेंगे ऊपर यहाँ पर और ऊपर से बांध के ना उसको वहाँ पर लेके जाएंगे, वो पाइप के साथ बांध देंगे। तो उससे ये होगा कि ये जो है ना फैलते हुए उस तरफ जाएगी और अंदर जो है ना ग्रीन जो है ना उसका पूरा सेटअप बन जाएगा। जो डोर की भी जो साइजिंग थी वो भी निकल गई है और ये देखें डोर का पूरा फ्रेम रेडी हो गया है। यहाँ पे डोर आ जाएगा, बाकी यहाँ पे पूरी हमारी जाली लग जाएगी। तो ये था आज का सीन, ठीक है। अब भाई इसके जो है ना वो जो मैंने बताया था रस्सियाँ वस्सियाँ बांध के ना बेल की सेटिंग करनी है और लाइट जा चुकी है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, माशाल्लाह से जो है ना ब्लेस्ड कंट्री है, तो दिन में 3 से 4 टीके हम लोग को लगते हैं, मतलब कोई बीमारी हो ना हो आपको ये जो है ना मैंडेटरी है लेनी लेने। तो वो अब जो है ना तीसरे टीके का टाइम हो गया। ये लाइट जो जल रही है ये भाई UPS पे चल रही है हमारी, वैसे हमारी K-Electric की लाइट हो जा चुकी है। तो इसके भाई बेल के हम लोग जो है ना वो रस्सियाँ भी लगाते हैं, ठीक है गाइस। तो उस रस्सी को हमने यहाँ पे इसके पौधे की जो डंडी है ना इसमें हम बांधेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लेके जाएंगे उस ग्रिल के साथ और ग्रिल से गई है सीधा वहाँ तक। तो इससे क्या होगा कि ये बेल जब बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर बल खाते हुए जो है ना वो पूरा फैलने लगेगी। तो ये वाली जो ये जो लड़ निकली है ना इसकी कली, इसको हम इसके अंदर बांध देंगे तो वो इजीली उसके अंदर फैलती जाएगी।
अब पहले इसको यहाँ पे जो है ना टाइट तरीके से बांधते हैं। अब करीब दिया और अब इसको जो है ना हम इसके अंदर एक दो बल मार के ना छोड़ देंगे, तो इससे ये होगा ये ऑटोमेटिकली बल खाते हुए ना ऊपर जाएगी। यार इसको बल देना जो है ना बड़ा वो प्यार मोहब्बत वाला काम है, टूट टाट गई तो फिर गया सीन। वो बोलते ना क्या बोलते हैं वो इंडियन लोग, गई भैंस पानी में, वो वाला सीन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाली जो बेल है इसको हम थोड़ा एडजस्ट करके ना यहाँ से निकाल देंगे बाय। तो ये देख रहे हो भाई, पाकिस्तानी लोग है ना, जुगाड़ करे बगैर हमारी ज़िंदगी जो है ना अधूरी रहती है, ये जुगाड़ है। ये बेल देख रहे हो पता नहीं कहाँ से घूमते हुए जा रही है। तो भाई आज की थी ये स्टोरी, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, और अगर भाई पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही बनता है, और अगर नहीं कर रहे हो तो बड़े कंजूस हो आप लोग। ठीक है, तो इजाज़त दें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।